हेलो, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रेंड्स। आप लोगों ने पहले कई सारी समस्या को फेस किया होगा, जैसे कि आपके घर में कोई आ जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई असामाजिक तत्व लोग आकर कुछ चोरी करके ले जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐप के बारे में, जिससे कि आप चोरी से बच सकते हैं और आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आपका कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं आएगा, आपको कोई सीसीटीवी कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका केवल एक ऐप के थ्रू काम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐप है और कैसे वर्क करती है, सब सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर जाना है, फिर वहाँ जाकर आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। वार्डन सीसीटीवी कैमरा, ये आपको पहले ऊपर दिख जाएगा, सिक्योरिटी कैम, इसको आपको इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसकी डाउनलोडिंग 1 मिलियन है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 4.3। ये देखिए, हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब इंस्टॉल हो रहा है, ये इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लिया। ओपन करते थे ये इसका इंटरफेस है। इसके इंटरफेस में आपको दो दिखेंगे, एक कैमरा एक व्यूअर। हमको चालू करना है कैमरा। हमें पहले इसका कैमरे पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें साइन इन करना है इसे गूगल से। ये मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन था इसमें, ये मैंने अलाउ कर दिया है। मेरा कैमरा लॉगिन हो गया है, यहाँ पे दिखा ये मेरा कैमरा लॉगिन हो चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कैमरा मेरा लॉगिन हो चुका है। ये ऐप हमने दूसरे फ़ोन में भी लॉगिन कर लिया है, इसके बाद हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे और इसका इंटरफेस देख लीजिए आप, ये इस टाइप का दिखेगा ये दूसरे फ़ोन में। इसके बाद हमें व्यूअर्स पे क्लिक करना है और व्यू करके ये साइन इन करना है। जिस आईडी से आपने पहले कैमरे पे करके साइन इन किया था, उसी से आईडी से आपको व्यूअर करके साइन इन करना है दूसरी डिवाइस से, और आप फिर देख पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, जिस जो आपको पहले वाले कैमरे में दिख रहा था वही इसी कैमरे में भी दिख रहा है, इसी आईडी से लॉगिन करके। अब आप इस फ़ोन को वहाँ रख दीजिए जहाँ जिस जगह की आपको निगरानी करनी है, और आप कितने भी दूर हों इस फ़ोन को रख दीजिए और आप इस फ़ोन को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप अपना सीसीटीवी कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।